आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति जी डॉक्टर हंडिक जी, पुस्तक के लेखक मेरे मित्र श्रीमान ननि गोपाल महंत जी, उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पुस्तक और उसके विषय के बारे में सारी बातें आ गई है। CAA और NRC, इसको लेकर जो चर्चा चली उसको विषय बनाकर इस पुस्तक की निर्मित हुई है, एक तात्कालिक बात है। परंतु इस तात्कालिक बात के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है, उसका विरोध होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। इस कानून को लाया जाता है, उसका समर्थन होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। और चिंतन की कौन सी दिशा हम सब लोगों के कल्याणकारी लिए कल्याणकारी है, इसका विचार हम लोगों को करना पड़ता है। ऐसे प्रसंग मनुष्य जीवन में, दुनिया के जीवन में, अपने देश के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में आते हैं, जाते हैं। उनके परिणाम अच्छे या बुरे तब होते हैं जब उनका स्वरूप समझकर, उनके पीछे का चिंतन समझकर हम उचित दिशा को पकड़ते हैं। ऐसी पुस्तक ननि गोपाल जी लिखने जा रहे हैं, ये उन्होंने पहले बता दिया था। ऐसी पुस्तक यानी इस पुस्तक में नरेशन क्या होगा, दिशा क्या होगी, ये नहीं बताया था। इस विषय पर वो लिखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे लगभग 2-3 वर्ष पहले बताया था। और उन्होंने कहा था कि आप आइए उसके लिए, तो पुस्तक में क्या होगा इसका विचार किए बिना मैंने उनको हाथ कह दिया था। मुझे पता नहीं था इसमें क्या आने वाला है, लेकिन उनका परिचय होकर कुछ वर्ष हो गए थे, 3-4 बार भेंट हुई थी, उसमें यह ध्यान में आया था कि जो भी वो लिखेंगे वो तथ्यों के आधार पर लिखेंगे, प्रामाणिकता से लिखेंगे। और जैसे तथ्य है वैसे लिखेंगे, तथ्यों को भी कैसे सामने रखना ये भी एक कला होती है ना, इंटरप्रिटेशन की कला होती है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी ऐसा है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा भी हो सकता। अभी हमारे संघ के आर्काइव्स में इतने सारे मेरे चित्र वगैरह उपलब्ध है, पहले नहीं रहते थे, आजकल है, तो उसको जोड़ के आपके सामने परसेप्शन रखा गया है। वो पूरा सच होगा ऐसा नहीं, लेकिन है। लेकिन मुझे यह पता था कि यथा तथ्य जैसा दिखता है, जो है वही लिखने का इनका स्वभाव है। और हम लोग सब जो काम करते हैं, संघ का काम करते हैं, हमारे मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प है। तो तथ्यों में से जो सत्य बाहर आएगा उसको डरने की हमको जरूरत नहीं है। इसलिए ननि गोपाल जी रिसर्च करने वाले हैं और उसके आधार पर कुछ लिखने वाले हैं, तो क्या होगा ये पता नहीं, तो भी मैंने कह दिया मैं आऊंगा और उस प्रकार मैं आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पुस्तक का एक निष्कर्ष है, वो आपके सामने आ गया है। अब हर बात को लेकर बवाल तो मचाने की पद्धति है ही आजकल, इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं लोग कि एक ऐसा नया कुछ किया गया, नहीं ये हुआ है,
उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत कड़ा परिश्रम किया है। ये तो हम जब पुस्तक को आप पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा, बहुत परिश्रम पूर्वक बहुत व्यापक अध्ययन किया। और इसीलिए अभी तक हमारे सामने कुछ बातें आई नहीं थी अथवा आने दी नहीं थी, वो इस पुस्तक में उजागर हो गई है। और इसलिए उस कड़े परिश्रम के पश्चात निर्भय वृत्ति से, निरपेक्ष वृत्ति से, तथ्यों पर आधारित ये पूरे CAA और NRC को लेकर उसके पीछे जो चिंतन है उसका एक चित्र उन्होंने आपके सामने रखा है और प्रामाणिक चित्र है, वो कलर्ड नहीं है। हमारे वो संपर्क में है तो भी हमारे पक्ष में कुछ लिखा जाए इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है, उनको तथ्यों से जैसा प्रतीत होता है वैसा लिखा है। और इसलिए अब उस पुस्तक को देखने के बाद भी जैसा उस समय मैंने एक विश्वास से हाँ कहा था, उसी विश्वास से आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस पुस्तक का मैं पुरस्कार करता हूं। क्योंकि कुछ बातें जिनका विचार हमारे मन में सदा रहना चाहिए, हमको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो बातें इस पुस्तक के कारण उजागर होती है। पहली बात उन्होंने भी कही पुस्तक का परिचय देते समय कि असम की पहचान का विचार ये कितना प्राचीन है और कहां से जुड़ता है। मैं ऐसा देखता हूं कि भारत की प्रत्येक भाषा, प्रांत आदि आदि जो कुछ विविधता है उसका इतिहास उस प्राचीन समय से जुड़ता ही है। तब कैसा था बिल्कुल वैसा आज नहीं होगा, लेकिन वहां से निकला, उसके कारण उत्पन्न हुआ, जिसको व्याकरण में शब्द है तद्भव, ऐसा तद्भव सब कुछ है भारत। और वो क्या चीज है जिससे हम सब निकले, आज हम इतने अलग अलग दिखते हैं, भाषाएं समझ में नहीं आती, उनकी बोलियां भी बहुत अलग अलग है, खान पान, रीति रिवाज, भूगोल के कारण अलग हुए हैं, इतिहास सबका मिलकर एक जैसा हुआ, वैसा हर एक प्रदेश का अपना अपना इतिहास भी है। और ये न जाने कितने हजार वर्षों से चल रहा है, बिल्कुल आधुनिकतम और भारत के प्रति बिल्कुल सहानुभूति न रखने वाला इतिहास भी हम देखें, उसका अगर उसका भी मंतव्य अगर ग्रहण करें तो कम से कम 4000 साल से ही चल ही रहा है। वो अनुमान गलत है, बहुत प्राचीन है, लेकिन अर्वाचीन में मान ले तो यह सारा 4000 वर्षों से चल रहा है। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी सारी विविधताएं इकट्ठा 4000 साल चली, बिना झगड़ा किए चली, आपस में मिलजुल कर चली और सबकी सब कायम है आज भी। ये केवल हमारे यहां हुआ है, क्योंकि बाकी दुनिया का विचार ही ऐसा है कि मिलजुल कर रहना है तो ये सारी बातें यूनिफॉर्म होनी पड़ेगी, यानी अलग अलग भाषा नहीं चलेगी, एक ही भाषा, अलग अलग खान पान, रीति रिवाज नहीं चलेंगे, एक ही प्रकार के होने पड़े, अलग पूजाएं नहीं चलेंगी, एक ही पूजा होनी पड़ेगी। वो बताने से वो अच्छी बात है, मनवाने से वो अच्छी बात है, मारपीट के हो जाए अच्छी बात है, या फिर ऐसा अलगाव रखने वालों को समाप्त करके हो तो भी अच्छी बात है, ये चिंतन है। और इसलिए हम देखते हैं कि असम को भी हम देखें कि ये डर हमारे यहां पैदा कब हुआ कि हम माइनॉरिटी में जा रहे हैं, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात छोड़ दीजिए, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा खत्म हो रही है। तो ये कोई प्राचीन समय से नहीं है, अभी बताया
महाभारत के समय से उल्लेख आता है, तो लोगों का आना जाना तो चला ही होगा। अब यहां महाभारत में अर्जुन के प्रवास का वृत्त मिलता है, यहां पर वैवाहिक संबंध भी उनके बने हैं, तो काफी ये माइग्रेशन चला ही है अपने देश में पहले से, बुलना मिलना भी हुआ, लेकिन ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरों के आने से हम खत्म होंगे, और नहीं भी हुए। लेकिन जब ऐसा पड़ोसी आया, ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, दो प्रकार नहीं चलते, तब फिर खतरी आ गई। क्योंकि सारी जीवन का सारा विचार ही इस पर आधारित है कि जहां भी हम रहे वहां हम डोमिनेंट रहे, हम साथ में रहे ऐसा नहीं। तो हमको दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से हमको परहेज नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो ये वसुधैव कुटुंबकम स्वदेशो भुवनत्रया। हमारे देश में तो कितने अलग अलग राज्य थे, लेकिन हमारे यहां वीसा पासपोर्ट नहीं था, यात्राएं होती थी हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आना जाना लोगों का चलता था, क्योंकि व्यवस्था के दृष्टि से राज्य है, देश है। हमारा तो पूरा देश है, हमारा तो स्वदेशो भुवनत्रया ऐसा हम मानते, और ऐसा मानने वाले हम सब थे। जब इसमें ऐसा हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर भुवनत्रय मेरा स्वदेश होना है तो उसमें मेरी ही भाषा चलेगी, मेरे ही भगवान चलेंगे, मेरा ही खान पान चलेगा, तब फिर हमको इस समस्या का परिचय हुआ। ऐसा भी डर रहता है इसका पता चला। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी नंदी गोपाल जी ने पुस्तक लिखी है, ईबीओएम के कारण क्या क्या समस्याएं हैं, वह सब प्रमाण उन्होंने सब लिखा है, साधारण लिखा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं लिखा है, उन्होंने एक बात लिखी है कि एसिमिलेशन में प्रॉब्लम है, यानी हमारा इसके बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं, एसिमिलेशन होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन यह खतरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी हमारी सोच है, और यह समस्या हुई क्यों, तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े ऐसा था, ऐसा नहीं, इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं, एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे।